सबका एक सपना होता है कि उनको आईफोन चाहिए, बुलेट चाहिए, थार चाहिए या एसयूवी कार चाहिए। सब सपना से वो कौन सा मूल मंत्र अपनाते हैं, कैसे टीम लगाते हैं कि वो करोड़पति बन जाते हैं? आप माई इलेवन सर्किल के विनर है और वो भी रैंक वन वाले, तो कैसे टीम लगाया था जो आपका रैंक वन आया? देखिए, कितना का टीम लगाए थे? 49 रुपये का। 49 रुपये का क्या क्या जीते उसमें? उसमें है फर्स्ट प्राइज 7.5 लाख रुपया, टाटा एसयूवी कार, रॉयल एनफील्ड बुलेट और एक आईफोन, सारा कुछ मिला जी। कि जो भी माई इलेवन और ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाते हैं ना, उनके लिए बहुत बुरा खबर है। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम गोपालगंज में हैं और अभी तक आपने बहुत सारे ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन आज हम दिखाने वाले हैं आपको माई इलेवन सर्किल वाले विनर से, और उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सा मूल मंत्र अपनाते थे कि वो ड्रीम इलेवन छोड़कर माई इलेवन सर्किल में नंबर वन आए। सबका एक सपना होता है कि उनको आईफोन चाहिए, बुलेट चाहिए, थार चाहिए या एसयूवी कार चाहिए। सब सपना सिर्फ 59 और 49 रुपये में पूरा होते हैं, और हमारे साथ एक विनर है जो माई इलेवन सर्किल के है और इनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। और दोस्तों, मैं एक बार बता दूं कि जो भी माई इलेवन और ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाते हैं ना, उनके लिए बहुत बुरा खबर है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आखिर वो बुरा खबर क्या है, तब तक आप विनर से बातें सुनिए। क्या नाम हुआ? साहुल कुमार। साहुल कुमार, पैसे जीते हैं? जी जी। क्या चीज़ में? माई इलेवन सर्कल पे। माई इलेवन सर्किल पे? जी जी। अच्छा, कितना का टीम लगाए थे? 49 रुपये का। 49 रुपये का क्या क्या जीते उसमें? उसमें है फर्स्ट प्राइज 7.5 लाख रुपया, टाटा एसयूवी कार, रॉयल एनफील्ड बुलेट और एक आईफोन, सारा कुछ मिला जी। मिल गया। लोगों का एक सपना होता है कि जब मेरे पास पैसा होगा तो एक कार लेंगे, आईफोन लेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे लेंगे। आपका एक ही बार में सारा सपना पूरा हो गया? जी जी जी। सब कुछ आया कि नहीं आया? देखिए, सब कुछ तो हमको मिल गया था, लेकिन गाड़ी और जो गाड़ी है प्राइज वाला जो, उसका हम पैसा ले लिए। अच्छा, कितना पैसा मिला? 7.5 लाख रुपये जो कैश था वो कैश मिल गया, और ये कार बुलेट आईफोन का 8 लाख करीब पैसा इसका मिल गया। अच्छा, दोनों का जी। कार और मतलब कार बुलेट और आईफोन तीनों का टोटल पैसा कितना मिला? यही कोई 7.94 लाख करीब, 8 लाख करीब मिल गया। और कैश 7.5 लाख? जी जी। अच्छा, रैंक वन आया था? फर्स्ट वन, हाँ। अच्छा, कब का मैच लगाया था, किस डेट को? ये 8 तारीख शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि जी, WPL जो लेडीज वाला मैच चला था उसी में। WPL महाकाल जी ने सुन लिए जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? साहुल कुमार राम। साहुल कुमार राम। अच्छा, ये बताइए, उस दिन टीम कितना लगाए थे? यही 5-6 गो टीम लगाए थे माई इलेवन सर्किल पे। 5 गो माई इलेवन पर था और ड्रीम इलेवन पर 2 गो टीम था। ड्रीम इलेवन 2 गो। अच्छा, उसमें कुछ आया कि नहीं? उसमें 80-80 रुपया है। सही है जी। अच्छा, ड्रीम इलेवन सबसे हाईएस्ट अमाउंट कितना आया? उसमें ज़्यादा नहीं आया है, यही कुछ 10-50 यही सब आता है। ना ना, 50,000 ना, 50 रुपया तक। 100 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब यही। कितने दिन से लगा रहे हैं टीम? साल भर करीब से खेलते हैं जी। अच्छा, सब ड्रीम इलेवन जो भी टीम लगाते हैं, व्यूअर जो होते हैं हमारे, वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो विनर हैं वो कौन सा मूल मंत्र अपनाते हैं, कैसे टीम लगाते हैं कि वो करोड़पति बन जाते हैं। आप माई इलेवन सर्किल के विनर हैं और वो भी रैंक वन वाले, तो कैसे टीम लगाया था जो आपका रैंक वन आया? देखिए, अब आदमी साल भर से तो खेल रहा था, क्रिकेट भी आदमी खेलता है, कुछ खिलाड़ियों को आदमी पहचानता भी है, वैसे ही देख के आदमी। अच्छा, तभी तो आदमी एक टीम से तो होगा नहीं, 4-5 आदमी टीम लगाया था, उसमें एक लग गया। अच्छा, कितना पॉइंट आया था उसमें? 1087.5 कुछ ऐसे ही था। किसके बीच मैच था? दिल्ली और उपील। दिल्ली और उपी? उपी। वो वाला टीम है आपके पास, उसका वाइस कैप्टन कैप्टन कौन है, याद है? अभी याद उतना तो नहीं है, लेकिन है उसका जरूर भी। दीप्ति शर्मा कप्तान थे और ग्रेस हरीस वाइस कप्तान। अच्छा, ये जो टोटल पैसा जो आया वो कैसे आया, किस तरीके से हम पैसा को ले सकते हैं माई इलेवन सर्किल से अगर विन करते हैं एक या दो? तो देखिए, मैच तो खत्म हुआ और 10 मिनट के बाद पैसा 7.5 लाख जो कैश था वो मिल गया हमको। 10 मिनट बाद आ गया? 10 मिनट बाद तो आ गया था। और ये जो गाड़ी का था, कार बुलेट आईफोन, एक हफ्ता करीब बाद हम कॉल किए, नंबर मिला था। कैसे नंबर मिला था? VIP मेरा नंबर डाला गया था और उधर से नंबर भी मिला था फ़ोन करने के लिए। अच्छा, ईमेल पे आया था या फिर एप्लीकेशन पे आया था नंबर? वो ऐप पे ही। ऐप पे ही आया? जी जी। उसी से आप कॉल लगाए? कॉल लगाए तो बात हुआ, तो गाड़ी का पैसा हम ले लिए। चॉइस पूछा गया था, गाड़ी चाहिए कि पैसा, तो पैसा हम चॉइस किए और पैसा ले लिए। पैसा ले लिए जी जी। अच्छा, कॉल लगाते थे इधर से तो लग जाता था एक बार में? जी हाँ। अभी भी लगाएं तो लग जाएगा? अब कैसे लगेगा? अब तो नहीं लगेगा? ना, अब नहीं लगेगा। मतलब समय रहता है, कितने दिन में आप लगा सकते हैं? अगर बात नहीं हुआ होता तो अब लग जाता। अच्छा, लग जाता। मतलब एक बार बात हुआ फिर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा,
फोन से ही बात हुआ था या फिर स्टडी वगैरह कुछ ऐसा? ना ना फोन से बात हुआ। अच्छा। फोन से डायरेक्ट कॉल बात हुआ। अच्छा ये बताइए अब वो पैसे का क्या करना है जो टोटल लगभग 10-12 लाख रुपए मिले? बिजनेस होगा कोई छोटा मोटा। अच्छा। बगल में अस्पताल खुल रहा है अब यहीं पे कोई बिजनेस होगा। कैश और गाड़ी वगैरह सारा का टोटल मिला कितना पैसा मिला? यही 11 लाख करीब कुछ पैसा मिल गया। 11 लाख जी। कितना कट गया होगा? अरे वो तो मिला था हमको 15.5, TDS कट के हमको 11 लाख करीब मिल गया है। अच्छा TDS कट गया जी। अभी भी टीम लगाते हैं? लगाते हैं वैसे ही एक दो आदमी। अच्छा जो टीम लगाए थे माई इलेवन सर्किल पे वो टीम ड्रीम इलेवन पे नहीं लगाए थे सेम? क्या ना सेम नहीं था। अगर सेम लगाते तो क्या होता? सेम भी लगाते तो ही नहीं आता कैसे, उसमें टीम अलग था। अलग था जी। अच्छा अब क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं। आपके घर में कौन कौन है? आपकी शादी हुई है? ना शादी नहीं हुआ, बड़े भैया हैं, मम्मी है और दो बहनें हैं अभी। अच्छा शादी वगैरह करना है? जी जी। आपका करना है कि नहीं? होगा तो अभी तो दो बहनें हैं, उन सबके होने के बाद देखा जाएगा। अच्छा अच्छा वो जो माई इलेवन सर्किल पे जो टीम लगाए थे उसका आईडी का नाम क्या था? आईडी? हाँ आपका माई इलेवन सर्किल का, आपका माई इलेवन सर्किल का आईडी का नाम नहीं है? ना ना इसमें। अच्छा इसमें नहीं होता? ना ना। अच्छा अच्छा क्या संदेश देना चाहेंगे जो ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्किल पे टीम लगाते हैं उनको? अब देखिए ये ड्रीम इलेवन और माई इलेवन एक तरह का जुआ है। जुआ है जी। जुआ खेल रहे थे? एक तरह का तो जुए है ही। अब पैसा अगर आपके पास हो, ओवर पैसा हो तब खेलिए, नहीं तो नहीं खेलिए। आपके देखा देखी बहुत सारे लोग खेलेंगे, उनको क्या कहेंगे? अब खेल पैसा नहीं भी है वो भी देख कर, सबसे पहले देख कर तो कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए अपने समझदारी के अनुसार। अच्छा मान लीजिए देख के हम टीम लगाने लगे, घर में खर्चे ना हो, वो सब होने के बाद अगर पैसा बचता है, अगर अच्छा लगता है, अनुभव है तो लगाइए, नहीं नहीं लगाइए। देख के तो बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा ये बताइए वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या मांगा गया था? कुछ नहीं था बस। आधार कार्ड पैन कार्ड लगाए नहीं थे? कुछ नहीं लगा, सब पहले लगा था फोन पे बना है, उसके बाद कुछ नहीं लगा। पैसा आया और विड्रॉ कर लीजिए, अकाउंट में सारा पैसा विड्रॉ हो गया जी। अच्छा ये बताइए जब माई इलेवन सर्किल में या ड्रीम इलेवन में पैसा डालते थे UPI से डालते थे या किस चीज़ से डालते थे? UPI से। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी माई इलेवन और ड्रीम इलेवन वाले हैं जो भी खेलते हैं इन पर पैसे डालते हैं UPI से, तो उन लोगों के लिए एक समस्या उत्पन्न हो सकती है फ्यूचर में। वो ये समस्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा UPI करते हैं ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्किल के लिए, तो आपको भविष्य में लोन वगैरह के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप जब बैंक में जाएंगे ना तो लोन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि मैनेजर बोलेंगे कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता। हालांकि जो करोड़पति बन जाएगा उनको तो आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन जो डेली हारते हैं उनको लोन नहीं मिलेगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी अभी मैं गोपालगंज में था और गोपालगंज से हमारे साथ माई इलेवन सर्किल के विनर थे, इन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से इन्होंने टीम लगाया पूरी बात आपने सुनी। बाकी ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्किल के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।